देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल संकट लगातार बना हुआ है। आनंद पर्वत के थान सिंह नगर में भी पिछले कई दिनों से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसको लेकर आज यहां पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और बड़ी संख्या में महिलाएं आनंद पर्वत स्थित थाना सिंह नगर बूस्टिंग पंपिंग स्टेशन पर सुबह 5 बजे से धरने पर बैठ गई। नाराज महिलाओं का कहना है कि लगातार कई बार हमने पानी को लेकर जल बोर्ड के अधिकारियों विधायकों से शिकायत की थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई और अब हम बूस्टर पंप पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मेरा नाम सीमा चौहान है और पानी की समस्या आज की नहीं है। सडनली नेता लोग चाहे भी कि 1 घंटे 2 घंटे पानी देंगे, वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। हम 20 साल से पानी के लिए परेशान है। 4 दिन पानी आता है, 10 दिन नहीं आता, फिर 20 दिन आता है, फिर 2 महीने नहीं आता। 10 दिन बिना पानी के हमने कैसे काटे होंगे आप खुद समझ सकते हो। हमें पानी चाहिए, 2 घंटे पानी चाहिए एवरीडे। हम यहाँ से तभी चलेंगे, उससे पहले हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मतलब आप लोग यहीं पे धरना पड़ा? जी बिल्कुल। कल ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार क्या? रक्षाबंधन, हमारे घर में पानी नहीं है, कोई गेस्ट नहीं आ सकता, हम खाना नहीं बना सकते। 10 दिन से पानी नहीं है हमारे घर में, हमने कैसे सरवाइव किया होगा वो हम समझ सकते हैं ना। दूसरे को फील नहीं हो सकता। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर फिर उसके बाद 6 नंबर 7 नंबर सब में पानी, सिर्फ 4 और 5 में नहीं है। तो हम क्या दुश्मन है जल बोर्ड वालों के? सर पिछले 10 दिन से ना एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बीमार भी हो जाता ना बच्चा, तो डॉक्टर भी बोलता है कि पानी पिलाओ, पानी नहीं है तो पिलाएंगे क्या बच्चे को? घर में कोई काम नहीं हो पा रहा, साफ सफाई नहीं है, बीमारियां फैल रही हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? पिछले 10 दिन औरतें सुबह सुबह 5 बजे 4-4 बजे उठ के भाग रही हैं घरों से, रास्ते में कोई हादसा हो जाए उनके साथ पूंजे में मारा उसका, सबके साथ तो जेंट्स नहीं जा सकते हैं। लोग काम छोड़ छोड़ के यहाँ पे खड़े हैं, लोग अपनी अपनी राजनीतियाँ कर रहे हैं, कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है वो, लेकिन ये नहीं देख रहे कि यहाँ कितने लोग परेशान हो रहे हैं पानी के बिना। ये बेचारे देखो कब से खड़े हैं, सुबह 5 बजे से खड़े हैं पंप के ऊपर, क्या इनके घर में कोई काम नहीं है? इनके बच्चे नहीं है, सबके बच्चे सब भूखे बैठे हैं, ये भी भूखे खड़े हैं यहाँ पे, सब ऐसे ही बैठे हैं, परेशान कर रखा है। कोई अधिकारी ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, बात नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं आया, कोई फोन नहीं उठाता, कोई बात नहीं कर रहा, कोई आश्वासन तो देना, झूठा आश्वासन तक देने में ना ये लोग असमर्थ है, आश्वासन तक नहीं दे पा रहे कि हम पानी दे देंगे। अब क्या करेंगे आप लोग? अगर सर हम खड़े हैं यहीं पे, हम मर जाएंगे यहीं पे भूखे, हम घर नहीं जाएंगे जब तक पानी नहीं मिलेगा हमारे को, जब तक। और हमें पानी 1 दिन का नहीं चाहिए, हमें रोज का पानी चाहिए, हमें जब तक रोज का पानी मिलेगा हम अपने घरों पे नहीं जाएंगे, मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेता ही खाली अनशन नहीं कर सकते, हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग में भी है कैपेबिलिटी इतनी, हम भी सुबह 5 बजे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, कोई सुनता नहीं है, कोई जल बोर्ड वाला नहीं सुनता, आते हैं बैठे रहते हैं छतों पे घुस जाते हैं, कोई काम नहीं करता। थान सिंह नगर गली नंबर 4 और 5 में रेगुलर पानी की बहुत समस्या बनी हुई है। 10 दिन हो गए एक बूंद पानी की नहीं आ रही यहाँ पे, कंप्लेंट कर लिया, आते हैं कुछ छेड़ के चले जाते हैं, उसके बाद भी पानी नहीं आता। प्रवीण गुप्ता जी को कई बार कंप्लेंट कर लिया है, पानी नहीं आता। इससे पहले नई बस्ती से लाइन लेके 24 घंटे वाली लाइन थान सिंह नगर में जोड़ रहे थे, जिससे सबको पानी मिल जाता, परमिशन मिली हुई थी उस चीज़ की, लेकिन उस साइड के विधायक सोमदत्त जी आए और उन्होंने वहाँ पर जो है प्रवीण गुप्ता जी को कह के काम रुकवा दिया। उसके बाद कई बार प्रवीण गुप्ता जी से मिल चुके उस लाइन को जुड़वाने के लिए, वो बार बार यही बात कहते हैं कि सोमदत्त जी जुड़ने नहीं दे रहे। अब सोमदत्त जी अपने वोट के चक्कर में हमारी एरिया की लाइन जुड़ने नहीं दे रहे और उनके चक्कर में इतने हजारों पब्लिक जो है परेशान हो रही है। दोनों विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन इस टाइम आनंद पर्वत का विधायक ही नहीं है, राजकुमार आनंद जी इस्तीफा दे चुके हैं या उनको जो हटाया जा चुका है, कोई विधायक नहीं है हमारे एरिया का। अब कितनी दिक्कत है, अब क्या करेंगे हम लोग? अभी सबने सुबह 5 बजे से लेडीज आई हुई हैं घर में, परेशान हो के 2 बजे की जगी हुई थी, 5 बजे आई हैं और बूस्टर पंप को रोक कर बैठी हैं, कह रही हैं कि हम बूस्टर नहीं चलने देंगे, अब बूस्टर नहीं चलने देंगे, अधिकारी आकर मिले, नहीं तो ये बार बार कहते हैं कि उधर जाके मिलो, इधर जाके मिलो, किस किस से जाके धक्के खाते रहेंगे। तो अब सब कह रहे हैं जब तक अधिकारी आके यहाँ पर नहीं मिलेंगे तब तक हम जो है यहाँ पे धरने पे से नहीं उठेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।